सुबह का नज़ारा देखो, पूरा क्लाउडी वेदर है, बारिश अभी भी रिमझिम शुरू ही है। देखो भाई, ये पूरा कल तो दिन भर था और रात भर ऐसे ही है, सेम रिमझिम रिमझिम कंटिन्यूस बारिश होते आ रहे, कंटिन्यूस बारिश है। अब जाके कहा तो बारिश का मौसम शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। क्या तो थोड़ा कीचड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी चलेगा, गर्मी से तो छुटकारा मिल गया है। लेकिन अभी ये कितने दिन ऐसे रहने वाला मालूम नहीं है, लेकिन आज भी लग रहा है कि ऐसा फुल जोर से बारिश होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएनजे व्लॉग्स। आज घड़ी में देखो 11 बज रहा है, अभी ब्रेकफास्ट भी हो गया, कॉफ़ी हो गया, अभी क्लिनिक के लिए तैयार हूँ, अभी क्लिनिक के लिए निकल रहा है। अभी एक सरप्राइज देने का है, देखो मेरा बेसिकली मेरा ब्लॉग होने वाला है फूड एंड ट्रैवल्स का। आज फूड एक्सप्लोर करने जा रहे साक्षी के साथ, वो फूड एक्सप्लोरिंग का व्लॉग वो मेरे साथ पहला व्लॉग होने वाला है, और वो भी साक्षी के साथ होने वाला है। क्यों बोले तो साक्षी मुझे गाइड करने वाली है कैसे व्लॉग करने का, कैसे एक्सप्लोर करने का। क्यों बोले तो मुझे उतना उसमें नहीं आता, इसलिए वो एक्सपर्ट है, वो अच्छी बनाती है। क्यों साक्षी? हाँ? देखो 11 बज रहे हैं, अभी तक उसका नाश्ता खत्म नहीं हुआ, आधे घंटे से बैठी है, हल्लो 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 टीवी देखते देखते अभी एक और एक घंटा खाएगी वो। आज ये वेडनेसडे है, वेडनेसडे ही क्यों जा रहे हम साक्षी? क्यों बोले तो संडे बहुत रस रहता होटल में, आज थोड़ा फ्री रहेगा। आज हमको व्लॉग सीखते सीखते बनाना है, इसलिए हमको आज वेडनेसडे चूज करे हम, थोड़ा रिलैक्स रहता, उतना भीड़ नहीं रहता होटल में रेस्टोरेंट में, बराबर ना? तो शाम के लिए तैयार रहना। ओके 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 बाय। अभी दोपहर का 2:45 बज रहे, अभी भूख लगा है, खाने को बैठ रहे हम सभी। साक्षी, आज दोपहर का खाना का स्पेशल क्या है? आज पूरी। देखो आज सेव पूरी और राइस दाल, दिखाओ इधर सेव पूरी। वाओ सेव पूरी, देखो आज पूरा फुल डे स्पेशल होने वाला है। दोपहर में सेव पूरी और शाम को और एक फूड एक्सप्लोर करने वाले शाम को रेस्टोरेंट में जाके, है ना साक्षी? हाँ, चलो अभी सेवपुरी का प्रोग्राम खत्म करेंगे। खा के देखी क्या कैसा हुआ? हाँ, मैं भी खा के देखता हूँ। जबरदस्त, जरेश में अच्छा हुआ। देखो इसके बाद उधर आता हूँ उसके तरफ। सुपर बनाए दोस्तों, मस्त। साक्षी अभी हम सिप्स एंड बाइट रेस्टोरेंट को जा रहे हैं, वो बेसिकली वो फैमिली रेस्टोरेंट है, और खाने का टेस्ट और वैल्यू फॉर मनी सब हम चेक करेंगे। देखेंगे कैसा अभी उधर। ये मैक्रोनी एंड चीज सॉस कैसा है? देखो वाइट सॉस है, स्पाइसी रहता ना? नहीं नहीं, और सल्सा सॉस, सल्सा नहीं, टमाटर सॉस दोनों कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छा है, वाइट सॉस स्पाइसी है। इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? नहीं ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, नहीं होना और ये ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं और स्वीट उसमें देखेंगे वो। एक प्लेट ऑफ स्वीट बोला तो टमाटर सॉस में आएगा, मीडियम रहेगा। ओके, ये स्वीट में नहीं, ये स्वीट नहीं रहेगा ना ऊपर का नहीं आता, लेकिन रहता है। चलो ट्राई करेंगे, वही ले लो। साक्षी
हाँ। एक जो आइटम है ना आराम से चार लोग आराम से खा सकते, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। प्राइस कितना है इसका? 260। टू सिक्सटी में ज़बरदस्त चार लोग आराम से खा सकते। वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स भी है इसमें। एक तरफ से आप इसको हेल्दी भी बोल सकते। ब्रोकोली, बीन्स, देखो ये ब्रोकोली, गाजर, बीन्स, मशरूम का पीस भी लग रहा है मुझे अंदर। पनीर होगा, एक इटालियन, तो फ्यूजन के इटालियन का वो अच्छा है क्या? वो आधा फ्यूजन है, आधा क्या नाम है इसका? फ्यूजन इटालियन पिज्जा, फ्यूजन इटालियन पिज्जा। फ्रंट साइड से कट कर, क्या है ये? कैटबी स्पेशलिटी है, कैटबी है होटल का स्पेशलिटी। फूड व्लॉग कैसा रहेगा? टोटल बिल हो गया 700 रुपीज़ है और क्वांटिटी अच्छा था, आराम से तीन से चार लोग आराम से खा सकते हैं। आराम से खा सकते हैं। हाँ, और क्वालिटी भी अच्छा है और वैल्यू फॉर मनी ओके बेस्ट है।
100%। हाँ। और फूड फूड क्वालिटी और क्वांटिटी तीनों मिला के आउट ऑफ 10 9 मार्क्स हम दे सकते हैं उसको। हाँ 9 मार्क्स 9.5 में दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं खत्म करेंगे। गुड नाइट।